लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस के घर से बाहर आई सपना चौधरी दोबारा घर में एंट्री ले सकती है, ये खुद सपना चौधरी ने माना है। सपना का कहना है कि मुझे लग रहा है शायद एंट्री हो जाए। सपना ने कहा कि अगर दोबारा घर में गई तो शांत नहीं रहूंगी, क्योंकि यह शिकायत रही है कि मैं बिग बॉस में शांत रही, वहीं मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। सपना ने कहा कि जब मुझे गुस्सा आ जाता था तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। सपना की मां नीलम चौधरी ने कहा कि यदि सपना दोबारा अंदर जाती है तो उसकी यही सलाह है कि यदि कोई कुछ कहे तो उस पर हाथ तो उठाना मत, लेकिन बाकी कोई कसर छोड़ना मत। हालांकि सपना की मां उसके घर आने पर बहुत खुश है। सपना चौधरी ने कहा कि इस बार वोट SMS से न होकर एक एप्लीकेशन से हो रही थी। दूसरी बात, हरियाणा में सांसद सैनी व यशपाल मलिक की रैली के कारण इंटरनेट भी बंद था, इस वजह से उसे कम वोट मिले। सपना ने कहा कि यदि SMS से वोटिंग होती तो उसे कम वोट मिलने का कोई चांस ही नहीं था। सपना ने कहा कि बिग बॉस में 7 हफ्ते तक एलिमिनेट होने के बाद भी वे अपने फैन की वजह से ही इतने दिन तक अंदर रह सकी। सपना ने कहा कि उसे यदि बॉलीवुड में काम मिला तो वे पीछे नहीं हटेगी, काम जरूर करूंगी। वहीं सपना ने यह भी साफ किया कि वे स्टेज शो करने नहीं छोड़ेगी। विनीत सिंह वाराणसी के चोलापुर विकास खंड के गोला गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता शिव मूरत सिंह राजस्व विभाग में कर्मचारी थे। ये 5 भाइयों और 4 बहनों में चौथे नंबर पर हैं। इनके बड़े भाई त्रिभुवन सिंह होम ब्लॉक चोलापुर से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और भतीजे संजय सिंह ग्राम प्रधान है। इन्होंने विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किया है। बचपन से ही वॉलीबॉल और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे, साथ ही मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट तक हासिल कर चुके हैं।